नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखें, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटीग्रिटी, ये बहुत होना जरूरी है। बौद्धिक ईमानदारी क्या होता है या इंटीग्रिटी क्या होता है ये समझे। जैसे इंटरव्यू में हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। हमने पहले ही कहा कि साक्षात्कार तथ्य का परीक्षण नहीं है, ज्ञान का परीक्षण नहीं, स्मरण शक्ति का परीक्षण नहीं, फिर भी हम तथ्य, ज्ञान, आंकड़े इसी पे चर्चा कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके व्यक्तित्व के गुणों को हम कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक लड़का एक लड़की को देखने गया विवाह के लिए, या लड़की लड़का को देखने गई और वो आपस में बातचीत ही ना करें। लड़का पूछा कि आप कुछ कैसे भी जानना तो क्या है कि मुझसे कंपेटिबिलिटी है या नहीं, कुछ बातचीत करेगा ना, आपको क्या खाना पसंद है, आप कैसे काम करते हो। अब वो बोलने लगे कि नहीं हम बताएंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं, तथ्य नहीं बताएंगे, तो नहीं समझोगे ना, तो व्यक्तित्व के गुण सामने ही नहीं आ पाएंगे। इसीलिए बातचीत तो उसी पर होती है लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। अब आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। बौद्धिक ईमानदारी का मतलब हम अकेले, ऐसा कोई व्यक्ति, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाता हूं 20 साल से संबंध है, आज भी मुझे रोज अपने में कमियां नजर आती हैं, हर दिन मैं इवॉल्व होता हूं, हर दिन आगे बढ़ता हूं, हर दिन अपने चीजों को सुधारने का प्रयास करता हूं, और क्या बेहतर, हर बैच में और कुछ नया करने का कोशिश करता हूं। ये जरूरी है, नॉलेज हैज नो लिमिट एट ऑल, आप सारा चीज का ज्ञान नहीं रख सकते। मैं लोक प्रशासन का सारा ज्ञान नहीं रख सकता हूं, मैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूं इससे तो भी नहीं रख सकता, समझ गए। यही ईमानदारी है। जब भी कोई उत्तर आप देते हैं और वहां पर कोई बोर्ड मेंबर कह देता है कि साहब ये ऐसा नहीं ऐसा था, तो बौद्धिक ईमानदारी क्या है, सर सॉरी इसके लिए ये गलती से, इट्स ए स्लिप ऑफ टंग या कुछ ऐसा गलती, इस परिस्थिति में मुझे याद नहीं आ रहा था, मुझे यही ध्यान आया, ठीक है। आपसे कुछ बोला जाता है, कुछ पूछने को आपको कहा जाता है, प्रश्न के उत्तर जैसे आपको देना है, नहीं आ रहा है, आप ईमानदारी की बात क्या है, सॉरी बोलना, हर बार बहुत सॉरी भी नहीं बोलना चाहिए, इसको सिचुएशनल समझिए, प्रैक्टिकल इसको समझिए। जैसे आपसे कोई सवाल पूछा गया, आपने कहा सॉरी सर आई डोंट नो, एक और सवाल पूछ दिया किसी ने, फिर आपने कहा सॉरी सर आई डोंट नो, अब आप देख रहे हैं कि 2-3 बार सॉरी हो गया माहौल बिगड़ने वाला है और फिर वही प्रेशर, एंगर, स्ट्रेस आप पे आने वाला है, तो आपका व्यक्तित्व बिगड़ेगा, जवाब सही नहीं आएगा। तो इससे बचने के लिए अगले प्रश्न में ट्राई भी करने भले ही ना आए तो कैसे ट्राई करना है वो समझिए, ठीक है। जैसे एक सवाल आपके पास आए, 2 बार आप सॉरी बोल चुके हैं, 3री बार आपके पास प्रश्न आता है और आप ऐसा कह सकते हैं कि सर मुझे अभी इस परिस्थिति में एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं गेस कर सकता हूं, इस पर अपने विचार बता सकता हूं, वो अलाउ कर देंगे। बोलो यहां से क्या है, इंटरव्यू बोर्ड को आप कंट्रोल में करना शुरू करेंगे। आपने पहले ही कह दिया ना कि मुझे एग्जैक्टली तो ये पता नहीं है, लेकिन अपनी समझ बूझ, जो जितनी ईश्वर ने मुझे बुद्धि दी है, इससे मैं ये समझ पा रहा हूं कि इस तरह की बातें इसमें होंगी। जैसे ही आपने ये कहा, वो ईमानदारी आप में है, वो समझ गए और फिर आपकी बातों को समझेंगे। उनको तो आपका एटीट्यूड टेस्ट करना है, आप कैसे सोचते हो, देखते हो, नजरिया आपका क्या है, उनको तो वो टेस्ट करना है। तो आपको बहुत बार सॉरी नहीं बोलना पड़ेगा। वैसे अगर आप 10 बार भी सॉरी बोले हैं, घबराइए मत, ये भी हो सकता है कि आपसे पूछ देंगे कि अच्छा तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, तो क्या आता है, जो आता है बोलो, तो जो सबसे हाल फिलहाल में पढ़े होगे ना, बोल देना कि सर मैंने GST पे बहुत अच्छा तैयारी किया है, लोकपाल पे तैयारी किया है, या इतिहास पढ़ा है, पबैड पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, कोई अभी गोदान पढ़ा है, उपन्यास पढ़ा था, जो है बोल दीजिए, ईमानदारी से बोले, फिर वो उसी से सवाल करेंगे और फिर अब सही आपके पास बॉल आ गया। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि तरीका है कि बार बार जब सॉरी होने लगे तो एक बार ऐसा ट्राई कर सकते हैं कि अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं अपने कुछ विचार इस पर रख सकता हूं, वैसे मुझे एग्जैक्टली इस सिचुएशन में अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसे कंट्रोल होना शुरू हो। यह है बौद्धिक ईमानदारी, ये मानते हुए कि कोई भी व्यक्ति सारा ज्ञान नहीं रख सकता है। नैतिक ईमानदारी क्या है, वो आपसे सिचुएशनल और बिहेवियरल क्वेश्चन से पूछेंगे। नैतिकता ये बहुत जरूरी है, आपके सिलेबस में भी है, आजकल सिविल सर्विसेज में बहुत उसका जरूरत पड़ता है। तो आपको कोई व्यवहार से संबंधित
और सिचुएशन से संबंध, मैं दो शब्द यूज कर रहा हूं, बिहेवियरल एंड सिचुएशनल, ये ध्यान रखें। बिहेवियरल क्वेश्चन में क्या होगा, उसमें कैसे होगा, जैसे बिहेवियरल क्वेश्चंस में अधिकारी और अधीनस्थ के संबंध आएंगे, कैसे व्यवहार करते हो। एक व्यक्ति अपने अधीनस्थ के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ और अपने अधिकारी के साथ कैसे व्यवहार करता है। जैसे किसी के व्यक्तित्व को जानना हो तो उसके अधीनस्थ पूछिए कि ये कैसे अधिकारी हैं, तो बता देगा क्या डांटते रहते हैं, कुछ समझते नहीं हैं, और कोई बताएगा बहुत अच्छे, इनमें कोई ईगो नहीं है, अंतर होना शुरू हो गया ना। सहकर्मी से पूछिए कि कैसा लगता है, इसके साथ काम करने में मजा आता है, कैसा होता है। बॉस से पूछिए ये कैसा अधीनस्थ है, हाँ हाँ बोल देता है, भावना में काम नहीं करता है ना। तो ये बहुत जरूरी है, व्यवहार वाले प्रश्न यहां से होंगे। हमने एक सेशन इसके लिए रखा हुआ है और बहुत सारे केस स्टडी के माध्यम से आपको बताएंगे कि इंटरव्यू में किस तरह से वो बिहेवियरल और सिचुएशनल क्वेश्चन पूछते हैं। इस बात के बावजूद भी कि ध्यान रखें इंटरव्यू में क्या पूछेंगे कुछ पता नहीं। एक हमारे प्रोफेसर होते थे, हमारे भारत के हिंदुस्तान के पहले प्रोफेसर लोक प्रशासन के, है आर के अरोड़ा सर जैसे महान, है ना, एमपी शर्मा, प्रोफेसर एमपी शर्मा, उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा है इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए, कि ईश्वर जो है भगवान वो किसी व्यक्ति के जीवन भर के कार्यों को देख करके यह तय करता है कि यह स्वर्ग में जाने लायक है कि नरक में जाने लायक है। एक इंटरव्यू बोर्ड 20, 25, 30 मिनट में कैसे ये डिसाइड कर सकता है कि ये सिविल सर्विसेज के लायक फिट है या अनफिट है। तो उसमें उनका तर्क ये था कि देखो कुछ भी पूछते हैं वो, कुछ भी उन स्वभाव बना लेते हैं, उनके मार्क्स देने के पैटर्न भी कई बार सब्जेक्टिविटी है, समझ में नहीं आती है। मैं अपने अनुभव से बताऊं, मेरा एक स्टूडेंट था, है जीवित है, धर्मराज मीना, आईपीएस है अभी, अभी कुछ दिन पहले जयपुर में शादी हुई है उसकी। तो वो जब क्लास में आता था तो व्यक्तित्व तो कैसा था वो आप समझिए, ऐसे आया ना तो ऐसे किया, नमस्ते सर, एकदम झुक गया, सो गया, मतलब समझिए, है ना। मतलब मैंने अब थोड़ी आलोचना के विषय है लेकिन पॉजिटिवली चीजों को मैं बोल रहा हूं। वो मतलब मैंने अपने, मेरा जो दिमाग का आखिरी कोना है वो भी नहीं सोचा था कि ऐसे व्यक्ति को 100 नंबर से ज्यादा आएगा इंटरव्यू में, और मैंने अपने जीवन में इससे ज्यादा इंटरव्यू का मार्क्स नहीं देखा है। ही गॉट 256 इन इंटरव्यू, 256 नंबर इंटरव्यू में बुलाया, और वो आईपीएस है और 2012 बैच का है, अगर जो भी जानते होंगे मुझसे पढ़े होंगे, वो उस साल रिटर्न में सबसे कम मार्क्स लाने वाला वही स्टूडेंट था, सबसे कम, और इंटरव्यू के बल पर आईपीएस बन गया, जिसके बारे में मैं ये सोचता था कि ये तो मुश्किल, चूंकि मेरा सब्जेक्ट है ये, मैं पढ़ाता हूँ, है ना, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, ये इसमें मैं सोता जागता हूँ, मुझे पता देख के भी बहुत कुछ समझ आता है, लेकिन मैं भी फेल हो सकता हूँ ये मुझे समझ में आया, है ना। और जिसे मैंने नहीं सोचा था वो ऐसा किया। और दूसरे साइड में कुछ बच्चे ऐसे आते हैं, हम लोग सोचते हैं कि इसको तो 250 से कम आएगा ही नहीं, वो पास ही नहीं करता है, 108 नंबर, 110 नंबर। इंटरव्यू बोर्ड किस आधार पर देता है, क्या उनका मानक है, वो बड़ा कुछ इसमें ऊपर वाले का डेस्टिनी वाला भी हो जाता है। लेकिन फिर भी एक जो हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, ये जरूरी है सभी लोगों में, ये स्किल होना चाहिए, कैसे हम इंटरव्यू को कंट्रोल करें, इसलिए इसका नाम है इंटरव्यू स्किल। तो सॉरी सॉरी बार बार ना बोलें, इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट।